पहले ही जो है गरीब मर रहा, गरीब और गरीब हो रहा, मिडिल क्लास भी गरीब हो रहा, किसी के पास कमाई नहीं है 3 महीने। और आपको पता है हालात कैसे हैं, अब कब तक ये चलेगी महामारी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमारी डिमांड है कि ये 3 महीने का जो है, क्योंकि गरीब आवाम या कोई भी आवाम जो है, तेलंगाना की आवाम आपको अपनी बेहतरी के लिए चुनी है, अपनी राहत के लिए चुनी है, लेकिन आप उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं, उनके ऊपर जो है आप हाई बिल का वो थोप रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो बिजली जो है कम होना, माफ हो जाना बिजली के बिल, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो। शाकिर स्टेट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी अपनी कांग्रेस वर्कर्स के साथ में यहाँ पे शिवरामपल्ली बिजली के डिपार्टमेंट के बाहर धरना करे हैं। हमारी सीएम से और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये डिमांड है कि 3 महीने का ये जो पेंडेमिक कोरोना वायरस का पीरियड था, जिसमें किसी के पास कोई कमाई नहीं थी, उस पर अगर देखा जाए तो कभी नॉर्मल इसमें 97 यूनिट, 98 या 99 यूनिट आता है। जो भी यूनिट 100 के नीचे आते हैं वो एक यूनिट माना जाता है। और फिर जब से ये कोविड पीरियड शुरू हुआ तब से दुकाला भी था मार्च से, तो उसमें क्या है 104 बिल अगर आ गई तो ये लोग क्या करें, बिजली डिपार्टमेंट वाले 104 और वो 99 जोड़ के 203 हुए। जब ये 203 हुआ तो ये दूसरी कैटेगरी में पहुंचा, दूसरी कैटेगरी में पहुंचा तो रेट हाई हो गए। इन्होंने कैसे अपने खुद ही से जो है रेट्स मुकर्रर किए, ये नाइंसाफ़ी है, ये आवाम पे बोझ है,